जब जब टीम इंडिया का सामना देश की दुनिया की किसी भी टीम से हुआ, हमेशा भारतवासियों ने टीम इंडिया को जिताया। हमारा यह मानना है कि 18 जनवरी के चंडीगढ़ चुनाव में भी भारतवासी एकजुट होकर इंडिया को जिताएंगे। और इस चुनाव के उपरांत स्कोर कार्ड होगा इंडिया 1 भाजपा 0। हमारा यह मानना है कि इंडिया गठबंधन की 18 जनवरी को होने वाली क्लीन स्वीप के बाद ये एक 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए आगाज होगा। मैं फिर से दोहरा दूं, इंडिया गठबंधन का भाजपा से पहला मुकाबला जो 18 जनवरी को होने जा रहा है, ये 2024 के लोकसभा चुनावों का आगाज होगा, कर्टन रेजर होगा और ये एक टोन सेट करेगा कि आने वाले जो भी चुनावी मुकाबले होंगे इंडिया बनाम भाजपा, उसके क्या नतीजे होंगे। मेरा ये मानना है कि ये एक और बड़ी चीज साबित करेगा, वो ये है कि जब इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ता है तो 1+1=2 होता है। यह चंडीगढ़ का 18 जनवरी का चुनाव सिद्ध करेगा और इसके संदेश, इसका मैसेज जो जीत का, इंडिया गठबंधन की जीत का मैसेज होगा, यह देश के कोने कोने तक पहुंचेगा। लोगों को जो आज एक तानाशाह निकम्मी भाजपा सरकार से मुक्ति चाहिए, उसकी एक आस लोगों के मन में जगाएगा कि अगर इंडिया गठबंधन एकजुट होकर चुनाव लड़ता है तो इंडिया गठबंधन ही वो चुनाव जीतता है और इंडिया से जो जो टकराएगा वो चूर चूर हो जाएगा। ये मैसेज इस चुनावों से अवश्य निकलेगा। 18 जनवरी को चंडीगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जो आज निकम्मी और तानाशाह बादशाहत है, उससे चंडीगढ़ के लोगों को छुटकारा मिलेगा, इंडिया गठबंधन वो छुटकारा दिलाएगा और 2024 में केंद्र में बैठी तानाशाह और निकम्मी भाजपा सरकार से भी देश की जनता को इंडिया गठबंधन ही छुटकारा दिलवाएगा।